So we're back to continue our journey where we left yesterday. Let's do this. I don't think we can make it. We will take it back and slightly to the right. That's the best, I think. We did it. Let's go. This game looks so cool and saturated. What the hell? Can I pick this up? Let's see if we can. We can't do anything with it. That's her gloves. The rain jacket. I'm gonna pick that big chair. No. Let's open this.
Here we go again. What the hell? Thank you.
the same slow-mo again. Yeah, the mall is at me again. Thank you.
Thank you.
Discord me out. All of us. Discord पे भी शो आते हैं आगे भाई Discord में Touch here. Finally, nice. What the hell? These are soaps? Are these soaps? I'm in the Discord, bro. Tell me. We need the soap. Okay. Pull him. Seems like I have to go back.
We go that way. Hello, bhai. Kaise ho? Bas scary feel kar raha. Haan. Scary feel kar raha. Are Pawan bhai, aap vishwas nahi karoge mere sath kya hua abhi? Kya hua? Matlab Pawan bhai, main jin characters ko kabhi sochta nahi tha khelunga, un characters ki sabse highest rank hai meri Akuma aur Akuma ke fusion hai aur Geese ki Aksha. I never expected that I will master these two characters in life. I will do it when they are so nerfed. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. तुम देख रहे हो मेरे स्ट्रीम? हाँ देख रहा था, लेकिन ये अब इनोवेटर ने इनवाइट कर लिया तो इसीलिए इसके साथ खेलना पड़ रहा है. खेलो खेलो.
Wow. कौन भाई आज तक के जो आपने जो जिन का डेविल जिन का अप फॉरवर्ड 4 के बाद जो बैक का रिवॉर्ड होता था ना बैक 4 का आपको क्या लगता है कि वो रिवॉर्ड उन्होंने रिवर्स करके सही किया या गलत किया, मतलब उन्होंने उसको वापस बफ कर दिया, मतलब वो बैक 4 फिर मार सकते हो बैक 4? हां जो फॉरवर्ड 4 कनेक्ट होती थी ना डेविल जिन की, उसके बाद एक बैक 4 मार सकते हो तुम जाके आगे, तो क्या वो सही किया उन्होंने या गलत किया उसके पास? सही था ठीक है, देखिए मैं अकुमा का फॉरवर्ड 4 का नर्फ मुझे अभी तक क्या सही नहीं लगता, चाहे जितना अकुमा मुझे खेलना आ जाए मैं अभी भी मानता हूँ कि यार एक सेफ लॉन्चर उसके पास होना चाहिए एटलीस्ट वन। एक है बैक टू, वो तो सबसे यूजलेस है मेरे हिसाब से फोन भाई। डाउन 3 का क्लीन हिट रेंज इतना भाई याद है कि मतलब कि मतलब अगर अगर मिस हो जाओ तो साला 15 फ्रेम का लॉन्चर पाओ। मुझे वो लगता है जो अब होरैंग का राइट फ्लेमिंगो में पवन भाई जो वो होता था ना जो राइट फ्लेमिंगो में मारता था होरैंग आपको जो पवन भाई अब फॉरवर्ड अब फॉरवर्ड 4 मारता था ना मेरे हिसाब से वो वापस आ जाना चाहिए ताकि होरैंक जो है ऐसे ही लोग जो क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं उसका फ्लेमिंगो अब टूटना आसान हो जाता है, जिनको एक बार मैचअप पता चल जाता है होरैंक का वो होरैंक की बैंड बजा देते हैं सी स्पेसिंग पता करके। लेकिन पवन भाई क्या है कि अगर आप फोर फोर होगा तो जल्दी स्पेसिंग में वो करने से डरेगा। सही बात है। भैया और मैं विश्वास नहीं करूंगा कि डाउन फॉरवर्ड 1 होता ना डाउन फॉरवर्ड 1-2 हो रहा है अकुमा का मैं वो मार रहा था और जिन डेविल जिन अप फॉरवर्ड अप 4 मार रहा था, तो पवन भाई विश्वास नहीं करोगे हुआ क्या कि उसने उसको नहीं हिट किया। अरे भैया हिटबॉक्स की ऐसी की तैसी पवन, वो एक मिड अटैक है, मिड अटैक हिट होने चाहिए उस पे, वो भी हम लोग जो है उसने साइड स्टेप नहीं किया था, उसने जो है वो उससे किया था यार फ्रस्ट्रेट किया था। लिटिल नाइट में सबसे अच्छी गेम थी, ये सब अच्छी नहीं थी पवन भाई। अरे ऑनेस्टली पवन भाई अब नेवर एक्सपेक्टेड मैं अकुमा से इतनी दूर आऊंगा, मतलब पवन भाई मैंने कभी सोचा नहीं था अकुमा इतना अच्छा कैरेक्टर निकलेगा। होता है हराडा ने एक तरीके से कैपकॉम को कन्विंस करने के लिए लाया अकुमा को कि वो भी आ सकते हैं, वो टेकन एक्स स्ट्रीट फाइटर लाने चाहिए। लेकिन पवन भाई पता है अगर कैप
लेकिन पवन भाई मैं मानू कि वो ना हो, क्योंकि पवन भाई फिर पवन भाई सिर्फ आकुमा की वजह से ये हो रहा है। अगर मेरे हिसाब से एम बाइसन अगर आ गया ना, कसम से पवन भाई एम बाइसन अगर आ गया तो बैंड बच जाएगी सारे कैरेक्टर्स की। कि एम्पायर बहुत ओपी है पवन भाई। अगर हम बात करें कि अगर मुझे टेकन 7 वाले मैकेनिक्स ला दें, क्योंकि ये अकुमा पूरी तरीके से स्ट्रीट फाइटर नहीं है पवन भाई। ये अभी भी अपना वो ये टेकन वाली थोड़ी वाइब्स देता है जो जो स्ट्रीट फाइटर 5 में था ना पवन भाई। जो स्ट्रीट फाइटर 5 में बहुत ऊंचा उछकता था, अगर उतना ही ऊंचा ये उछकेगा ना तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक मूवमेंट वाली आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्या कहते हैं, ताकि वो सिर्फ सही का। इलेक्ट्रिक मूवमेंट आपको लगाने की जरूरत नहीं है वो थोड़ी ऊंची जंप लेने के लिए। आप ऐसे ही पवन भाई क्या कहते हैं हुकूमत से ले सकते हैं चीजें, तो पवन भाई बैंड बजा देगा अगर स्ट्रीट फाइटर वाला आ जाए, सिर्फ स्ट्रीट फाइटर वाला। Right. अरे यार ये क्या है डेवल का। काश मैं वो कर पाता पवन भाई। क्या कहने का मतलब है, लिटिल नाइटमेयर्स को आपके साथ खेल पाता। आई स्टिल थिंक यार ये कोऑप होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन पवन भाई गेम अच्छी है आई हैव टू एडमिट। पवन भाई आप विश्वास नहीं करोगे, नमो का कारण आप विश्वास नहीं करोगे इतना कोई मतलब बेवकूफ कैसे हो सकता है। परसोना 5 स्ट्राइकर्स अभी आई है ना, अगर आप परसोना नहीं खेलते हो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको पता है कि गेम वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है पवन भाई बहुत परसोना 5 स्ट्राइकर्स तो उसको बोला ये गेम एक पैसे के लिए, मतलब पवन भाई वो कटसीन आते हैं ना आरपीजी वाले तो उसको वो समझ ही नहीं आ रहा है, वो पढ़ता है नहीं कुछ भी। वो चाहता है कि गॉड ऑफ वॉर की जैसे ओपनिंग हुई ना क्रेटोस वर्सेस बाल्डर, वो चाहता है अगर ऐसी गेम में ओपनिंग हो जाए ना हर गेम में तो गेम मतलब टॉप क्लास है। अच्छा वो हर गेम को गॉड ऑफ वॉर के नजरिए से देखता है, प्रॉब्लम उसकी ये है। होता है मुझे अभी एलियन आइसोलेशन पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे मतलब ये गेम एक पैसे की नहीं, मैंने कहा इट्स नॉट मेड फॉर मी, मतलब उसमें बहुत ज्यादा खोजबीन करनी पड़ती है। मैं मतलब गेंशन इंपैक्ट खेल लूंगा लेकिन मुझे वो नहीं पता। ये आपने लैंटर्न वाली क्या वीडियो डाली थी? अरे उसमें लैंटर्न मिलते हैं ना आपको बनाने के लिए, तो आप कितना भी क्राफ्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली मैंने क्राफ्ट कर लैंटर्न का इवेंट खत्म हो गया था तो आई रिलीज ऑल माय लैंटर्न्स। यूबीसॉफ्ट ने तो भैया बर्बाद कर दिया, कोई वो गेम खेल ही नहीं रहा, फीनिक्स राइजिंग या जो भी था पवन भाई। नमोकार पागल है गिल्टी गेमिंग से। किससे? गिल्टी गेमिंग कह रहे हैं नमोकार पागल है। अगर मेरी बात करें तो मुझे गेंशन इंपैक्ट ज्यादा बेटर लगती है। आई थिंक मुझे नमोकार पागल तो नहीं, थोड़ा क्रिंज लगता है। क्यों एक बार बताइए। क्रिंज मतलब लाइक क्रिंज पता है मतलब अजीब, सुपर बूमर टाइप समथिंग। मतलब पवन भाई कहने का मतलब एक बात बताता हूँ, वो मुकेश खन्ना वाले जमाने थे, मुकेश खन्ना जी के थे वो, मुकेश खन्ना जी की बातें भी करता है वो, मैं जानता हूँ ना। वो क्या कहते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी जज करने लगता है गेम्स को, बहुत तेजी से जज करता है पवन भाई गेम्स को। मतलब वो कहता है कि मतलब उसके नजरिए पवन भाई, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि वो बुरा गेमर है, लेकिन पवन भाई जो गेम उसको पसंद आई ठीक है पवन भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन जो गेम दूसरे को पसंद नहीं है पवन भाई वो मतलब अगर उसको पसंद नहीं आ रही तो लोग कहते हैं ऐसे लोग जो ये ऐसी गेम खेलते हैं तो मुझे पागल लगते हैं। अब ये पवन भाई बताइए कितनी गलत बात उसने बोली है। परसोना 5 स्ट्राइकर्स को बिना समझे 5 मिनट में उसने डिलीट कर दिया।
और परसोना 5 को भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेम मास्टरपीस है, पर पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं पूरी दुनिया में। वो चाहता है गेम शुरू होते ही बस मार धाड़, कुछ स्टोरी ना कुछ ये सब हो, मतलब आप समझ लो कि वो ऐसा चाहता है, उसका ये मेन प्रॉब्लम है पवन भाई। एक्चुअली अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस गेम को खेलने में, क्योंकि ये रिकमेंडेड है कंट्रोलर पे। और जो टॉर्च का डायरेक्शन है ना, वो आप कंट्रोलर पे ज़्यादा सही संभाल सकते हो। चलो लाइट ऑफ करके ही तो जा रहा हूँ ब्रो, लाइट ऑफ करके जाऊंगा तो वो वैसे ही पकड़ लेंगे, लाइट ऑन करने पे वो स्टैचू रहते हैं। लाइट्स ऑफ करके नहीं जा सकते। राउंड थ्री का 300 रेंज थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। शिट मैन, कम ऑन। सीजन 2 तक ये गेम अच्छा लगता था बहुत। कौन सा सीजन 2 तक अच्छा लगा था? क्योंकि पवन भाई उसमें मालूम है कम अनबैलेंस था, अब ज्यादा अनबैलेंस कर दिया है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड 4 का पवन भाई पता है कि वो साइड से वो करंट भी नहीं होता, उसकी रेंज भी बहुत बेकार है। एटलीस्ट अगर पवन भाई कुछ देना ही है तो एटलीस्ट काउंटर हिट का वो तो दे दो यार। अब पवन भाई क्या होता है अगर हमारा वो जो होता है ना जो साथ जो एक साथ दो अटैक करते हैं वो क्या होता है जो क्रॉस बन के आता है, तो क्या बोलते हैं जो दोनों अटैक साथ में होते हैं और स्क्रीन इफेक्ट के लिए बैकफायर हो जाती है। ट्रेड ट्रेड याद आ गया ट्रेड होता है। तो पवन भाई ये जो ट्रेड होता है, अब इसकी प्रॉब्लम ये आ गई मेन। अब पवन भाई इसकी ये मेन प्रॉब्लम है कि जो ये ट्रेड होता है ना, अब अकुमा के साथ अगर ट्रेड होगा किसी कैरेक्टर का तो वो लॉन्च उसको लॉन्चर मिल जाएगा, जबकि अकुमा उसको जो पता है कोई उसका वो नहीं है ना, अगर काउंटर हिट भी पड़ लिया तो कोई रिएक्शन नहीं है, जैसा दोनों है वैसा सेम दोनों पे रिएक्शन है। तो अब इससे ये होगा पवन भाई कि उसको कॉम्बो मिलेगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर है यार। तब अकुमा को एटलीस्ट एक क्लीन एक परफेक्ट लॉन्चर दो, क्योंकि सिर्फ मीटर पवन भाई इतनी बहुत कम रेंज है उसकी। राइट मैं कोई अकुमा का फैन नहीं हूँ, लेकिन यार मैं जानता हूँ, मैं अब जब खेल रहा हूँ समझ में आ गया यार बातें में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अकुमा प्लेयर को।
अगर मैं ईएक्स मूव यूज करता हूं तो भी मुझे ही पनिश मिल रही है, एटलीस्ट ईएक्स मूव पे पनिश हटाओ फिर। इतने सारे वाईफाई फ्लेवर हैं। राइट। मैंने हजारों में एक दो यूसी मित्सु आते हैं, उनको कहाँ देखे यार। ये कंट्रोलर लगाना पड़ेगा लग रहा है। योशिमित्सु की सबसे खराब चीज है कि जो उसको जानता नहीं है उसके अनब्लॉकेबल खाता है काफी। क्यों खाता है पता नहीं होता है ना। कंट्रोलर ही नहीं चल रहा यार। कोमा के साथ सिर्फ इतने टाइम से फोन भाई ने कोई भी अकुमा को नर्फ नहीं दिया, सिर्फ अभी दिया क्योंकि आवाज हानि की वजह से हुआ है। तो क्या हो गया, कहने का मतलब है आवाज हानि ने जब गेम दिखाया तो इन्होंने अकुमा को मतलब बहुत ओपी बना दिया। आई मीन बैलेंस टीम लगता है यहाँ गांजा पीती है। टेकन क्या फॉरवर्ड फॉरवर्ड फोर सीरियसली, मतलब फॉरवर्ड फॉरवर्ड फोर एक ऐसा मूव जिसको नर्फ करने की मुझे नहीं लग रही कोई नीड होनी चाहिए थी। वैसे मैंने मेन मैन से कल उसकी स्ट्रीम पर पूछा